इस वीडियो में हम एबीसी और उनसे बनने वाली चीजों को आपस में मिलाएंगे। चलें हम शुरू करते हैं। अपनी स्क्रीन्स की तरफ देखें। सबसे पहले हम इस लेटर की तरफ चलते हैं। आप बताइए ये लेटर कौन सा है? बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। अब हमने सामने दी हुई तस्वीर को देखकर ये बताना है कि स्मॉल बी से कौन सी चीज बनती है, फिर हम उसे स्मॉल बी से मिला देंगे। चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहली तस्वीर की तरफ देखें, ये क्या है? एंट, एंट यानी चींटी। एंट तो बी से नहीं बनती, यानी हम अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये बताइए ये क्या है? काओ यानी गाय, लेकिन काओ भी बी से नहीं बनती। चले हम अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये बताइए ये क्या है? बेड, बेड यानी पलंग, और बेड किससे बनता है? बी से, यानी हम बी और बेड को आपस में मिलाएंगे। हमने बी और बेड को आपस में मिला दिया। चलें अब हम अगले लेटर की तरफ चलते हैं। ये बताइए ये कौन सा लेटर है? ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए। अब हमने सामने दी हुई तस्वीर में से देखकर ये बताना है कि स्मॉल ए से कौन सी चीज बनती है, फिर हम स्मॉल ए और उस चीज को आपस में मिला देंगे। चलें हम पहली तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये बताइए ये क्या है? आंट, आंट यानी चींटी, और आंट किससे बनती है? ए से, यानी हम ए और आंट को आपस में मिला देंगे। हमने ए और आंट को आपस में मिला दिया। चलें अब हम तीसरे लेटर की तरफ चलते हैं। ये बताइए ये कौन सा लेटर है? सी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। सामने दी हुई तस्वीर में से देखकर हमने ये बताना है कि स्मॉल सी से कौन सी चीज बनती है, और फिर हम उसे स्मॉल सी से मैच कर देंगे या मिला देंगे। सबसे पहली तस्वीर कौन सी है? आंट यानी चूंटी, जिसे हम पहले ही स्मॉल ए से मिला चुके हैं। दूसरी तस्वीर की तरफ आइए। ये क्या है? काव, काव यानी गाय, और काव किस लेटर से बनती है? सी से, यानी हम सी और काव को आपस में मिला देंगे। चले हम इन्हें आपस में मिलाते हैं। हमने सी और काव को आपस में मिला दिया। हमारी ये मश्क मुकम्मल हो चुकी है। चले अब हम अपनी अगली मश्क की तरफ चलते हैं। अपनी स्क्रीन्स की तरफ देखें। इस मश्क में हमने पहले दी हुई तस्वीर को देखना है, और फिर हमने ये बताना है कि नीचे दिए हुए कौन से तीन लेटर से वो तस्वीर बनती है। जब हमें ये मालूम हो जाए तो हम उस लेटर के गिर्द दायरा बना देंगे या सर्कल कर देंगे। चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए ये क्या है? एंट यानी चींटी। अब हमने ये बताना है कि एंट किस लेटर से बनती है। एंट बनती है स्मॉल ए से, यानी हम ए के गिर्द दायरा लगाएंगे। चले हम ए के गिर्द सर्कल करते हैं। ए, एंट, एंट यानी चींटी। चले अब हम अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये बताइए ये क्या है? बेड, बेड यानी पलंग। नीचे दिए हुए लेटर्स में से हमने देखकर ये बताना है कि बेड किस लेटर से बनता है। बेड बनता है बी से, यानी हम स्मॉल बी के गिर दायरा लगाएंगे।
बी बेड, बेड यानी पलंग। चलें अब तीसरी तस्वीर की तरफ आइए और बताइए ये क्या है। काव, काव यानी गाय। नीचे दिए हुए लेटर्स में से हमने अब ये बताना है कि काव किससे शुरू होती है। काव शुरू होती है सी से, यानी हम स्मॉल सी के गिर दायरा लगाएंगे। सी काव, काव यानी गाय। चलें अब यहां आ जाइए और बताइए ये क्या है। ये है बुक, बुक यानी किताब। नीचे दिए हुए लेटर्स में से हमने देखकर बताना है कि बुक किससे शुरू होती है। बुक शुरू होती है स्मॉल बी से, यानी हम बी के गिर दायरा लगाएंगे। बी बुक, बुक यानी किताब। चलें अब अगली तस्वीर की तरफ आइए। ये क्या है। कप, कप यानी प्याली। और कप इन तीन लेटर्स में से किससे बनती है। कप बनता है स्मॉल सी से, यानी हम स्मॉल सी के गिर दायरा लगाएंगे। सी कप, कप यानी प्याली। चलें अब आखिरी तस्वीर की तरफ आ जाइए और बताइए ये क्या है। एरो यानी तीर का निशान। अब हमने नीचे दिए हुए लेटर्स में से ये बताना है कि एरो किससे बनता है। एरो बनता है स्मॉल ए से, यानी हम स्मॉल ए के गिर दायरा लगाएंगे। ए एरो, एरो यानी तीर का निशान। हमारी ये मश्क भी मुकम्मल हो चुकी है। चलें अब हम अपनी अगली मश्क की तरफ चलते हैं। इस मश्क या एक्सरसाइज में आपने दी हुई तस्वीर को देखना है और फिर आपने ये बताना है कि वो तस्वीर किस लेटर से शुरू होती है। जब हमें ये मालूम हो जाएगा तो हम सामने दी हुई लाइन पर वो लेटर लिख देंगे। चलें हम शुरू करते हैं। ये बताइए ये क्या है। कप यानी प्याली। और कप किस लेटर से बनता है। स्मॉल सी से, यानी हम सामने दी हुई लाइन पे कौन सा लेटर लिखेंगे। स्मॉल सी, सी कप, कप यानी प्याली। चलें अगली तस्वीर की तरफ आइए। ये क्या है। एरो यानी तीर का निशान। और एरो किस लेटर से बनता है। स्मॉल ए से, यानी हम सामने दी हुई लाइन पर क्या लिखेंगे। स्मॉल ए, ए एरो, एरो यानी तीर का निशान। चलें अब अगली तस्वीर की तरफ आइए। ये क्या है। बुक, बुक यानी किताब। और बुक किस लेटर से बनती है। बी से, यानी हम सामने दी हुई लाइन पे कौन सा लेटर लिखेंगे। स्मॉल बी, बी बुक, बुक यानी किताब। चलें अब अगली तस्वीर की तरफ आइए। ये क्या है। आंट, आंट यानी चींटी। और आंट किससे बनती है। ए से, यानी हम सामने दी हुई लाइन पर क्या लिखेंगे। स्मॉल ए, ए आंट, आंट यानी चींटी। ये बताइए ये क्या है। बेड, बेड यानी पलंग। और बेड किस लेटर से बनता है। बी से,
यानी हम सामने दी हुई लाइन पर कौन सा लेटर लिखेंगे? स्मॉल बी। बी बेड, बेड यानी पलंग। चलें अब आखिरी तस्वीर की तरफ आ जाइए और बताइए ये क्या है? काव। काव यानी गाय। और काव किस लेटर से बनती है? सी से। यानी हम सामने दी हुई लाइन पर क्या लिखेंगे? स्मॉल सी। सी काव। काव यानी गाय। हमारी ये मशक भी मुकम्मल हो चुकी है। इस वीडियो में हमने क्या सीखा? ए बी सी और उनकी मुख्तलिफ मशकें या डिफरेंट एक्सरसाइजेज, जिनसे हमारी इन लेटर्स की पहचान और उनसे बनने वाली चीज़ों की पहचान और अच्छी हो जाएगी। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में दोहराने की भी कोशिश करें।